Hey there, welcome to factskul. So today we will talk about 2 marks important question from semester 3rd, subject pharmaceutical organic chemistry 2nd. So these are some important question from section A which you have to attempt, and this one is the compulsory part. So सेक्शन ए में हमारे 20 मार्क्स का होता है टोटल और 10 क्वेश्चन आते हैं जो कंपलसरी होता है अटेंड करना, और मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप इसको 30 to 45 मिनट्स में कंप्लीट कर दें. सो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड गिव एग्जांपल. सो एरोमेटिक कंपाउंड वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव बाय केकुले. केकुले वाज साइंटिस्ट ऑगस्ट केकुले. सो उन्होंने ये वर्ड डिस्क्राइब करा था for benzene, and this word aromatic is derived from the word aroma which means fragrance. Aromatic compounds contain the ring structure known as benzene, and now aromatic compounds are also called as arenes and its derivatives. So next question is what is Huckel's rule and give example in the respect of benzene. So Huckel rule क्या होता है? Huckel rule always follow aromaticity when the cyclic pi molecular orbital formed by the overlap of p orbital, it must contain 4n plus pi electron where n is 0, 1, 2, 3 integers and so on. This is also called as Huckel's rule. This system is aromatic compound. ये system किसके लिए बना है? Basically aromatic compound के लिए बना है और उसका example है हमारे पास benzene. तो Huckel rule को repeat करते हैं. वो क्या है? वो cyclic है, pi molecular orbital formed हो रहे हैं किससे? Overlapping of p orbital से, and it must contain 4n plus 2 pi electron. तो एग्जाम्पल लेते हैं बेंजीन का. बेंजीन के पास 1, 2, 3 डबल बॉन्ड है हमारे पास. सो 4n plus 2 इज इक्वल टू 6. एक डबल बॉन्ड हमारे इक्वल होता है 1 डबल बॉन्ड इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन. सो 4n plus 2 तो हमारा 3 है, तो 3 into 2 6, तो इधर 6 आया. तो इक्वेशन में कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास नंबर आता है n equal to 1. सो n equal to 1 है और 1 इंटीजर है, तो वो Huckel रूल फॉलो कर रहा है. और Huckel रूल कब एप्लीकेबल होता है? जब हमारे पास स्ट्रक्चर साइक्लिक हो, अनहाइब्रिडाइज प्री ऑर्बिटल ऑन ईच एटम ऑफ द रिंग, एंड सेकंड लास्ट थिंग अ प्लेनर स्ट्रक्चर ओवरलैप ऑन ऑल पी ऑर्बिटल एटम ऑफ द रिंग. सो दिस इज Huckel रूल. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन. इस रीजन को हमें जस्टिफाई करना है. जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि एरोमेटिक अमीन लेस बेसिक होते हैं किसके थ्रू? एलिफेटिक अमीन्स के. तो इसके बेसिक से जो हमारे पास 2 रीजन है. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ लेस अवेलेबल फॉर प्रोटेशन. हमारे पास जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं एनिलीन रिंग पे, उसकी वजह से क्या होता है? प्रोटोनेशन लेस होती है, और प्रोटोनेशन जो होती है उसी पे डिपेंड करता है बेसिसिटी ऑफ अमीन्स. सेकेंड रीज़न क्या है? जो ये लोन पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन एटम इज डीलोकलाइज ऑन द बेंजीन रिंग, सो दे आर नॉट अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन. जब हमारा एनिलीन स्ट्रक्चर के पास हमारे पास सो उससे क्या होता है? जो भी हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज होना स्टार्ट हो जाता है और रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. इसकी वजह से क्या होता है? दे आर नॉट अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन. और जैसे मैंने अभी बताया कि प्रोटोनेशन ही एक मेन रीज़न है जो अमीन्स की बेसिसिटी पे डिपेंड करता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी हैव टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ अराइल डायजोनियम सॉल्ट एंड इट्स यूजेस. तो जब मैंने इधर सॉल्ट लिखा है तो हमें सॉल्ट दिखाना है, और एक अराइल डायजोनियम आयन भी होता है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. सो दिस इज़ वन इज द सॉल्ट. हमने पहले अराइल का मतलब क्या है? हमने एक एरोमेटिक रिंग बनाई. देन डाई अजोनियम. अजोनियम मीन्स नाइट्रोजन और डाई मीन्स 2, तो 2 नाइट्रोजन का कंपाउंड बनाए, और नाइट्रोजन की वैलेंसी उसके पास 3 बॉन्ड होते हैं. उधर प्लस पॉजिटिव साइन शो करा और इधर एक्स शो करा है, मीन्स हेलोजन. सो दिस इज द अराइल डायजोनियम सॉल्ट. और इसके यूजेस क्या है? इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैनी नेम रिएक्शन सच एज सैंडमेयर रिएक्शन. इट इज़ यूज इन द सिंथेसिस ऑफ वेरियस अराइल डेरिवेटिव्स. इट इज़ यूज इन डायजो कपलिंग रिएक्शन. डायजो कपलिंग रिएक्शन पर यूज होता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एजो बेंजीन विच इज़ येलो डाई. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द डेफिनेशन ऑफ एसिड वैल्यू. एसिड वैल्यू क्या होती है? इट इज़ द नंबर ऑफ mg ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ फैट. एसिड वैल्यू इट्स रिलेटिवली मेजर द रेंसिडिटी एज अ फ्री फैटी एसिड। जो एसिड वैल्यू होती है वो रेंसिडिटी को मेजर करती है। रेंसिडिटी क्या होती है, कोई भी हमारा ऑयल या फैट हमारा कितनी जल्दी स्पॉइल हो रहा है, ख़राब हो रहा है, उसे हमने रेंसिडिटी एक्सप्लेन करा। और नेक्स्ट डेफिनेशन हमें देनी है ईस्टर वैल्यू की। सो ये जो हमारी डेफिनेशन आ रखे हैं ये एनालिटिकल कॉन्स्टेंट से आ रखे हैं यूनिट 3 से। इसमें टोटल 6 वैल्यू होती हैं जिनकी आपको मोस्टली डेफिनेशंस पूछी जाती हैं या प्रिंसिपल या प्रोसीजर। तो आपको जो उनकी डेफिनेशन वो टिप्स पे याद होनी चाहिए। आप कैसे भी उन्हें याद कर लीजिए, रट लीजिए, बट आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। सो ईस्टर वैल्यू की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ mg ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सपोनिफाई द ईस्टर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल। ईस्टर वैल्यू क्या बताता है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द गिवन फैट और ऑयल। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज RM वैल्यू। सो RM वैल्यू क्या होता है, वो भी एनालिटिकल कांस्टेंट का पार्ट है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिचर्ड्स मिशेल नंबर, उसकी फुल फॉर्म। और उसे हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इट इज डिफाइन एज द ml ऑफ 0.1 n मीन्स नॉर्मेलिटी ऑफ KOH, KOH मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज द सॉल्युबल एल्कली फैटी एसिड डिस्टिल्ड फ्रॉम 5 ग्राम ऑफ फैट। एंड इट मेजर्स द वाटर सॉल्युबल स्टीम वॉलेटाइल फैटी एसिड मेनली बुटरिक एसिड। तो बेसिकली जो बटर होता है अगर हम उसको चेक करें कि वो कितना प्योर है हमारे यूसेज के लिए, कंजप्शन के लिए, तो वो RM वैल्यू के थ्रू चेक करा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन नैप्थलीन अंडरगो ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 तो उसका प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होता है। तो हमें रिएक्शन शो करनी है। तो पहले मैंने स्टेटमेंट लिखी है। स्टेटमेंट हम कैसे लिखते हैं, पहले रिएक्शन लिखते हैं और फिर रिएक्शन में जो भी हो रहा है उसे हम एक्सप्लेन करते हैं। सो व्हेन नैप्थलीन अंडरगो ऑक्सीडेशन in the presence of V2O5 and some heat, it produces phthalic anhydride. So वही मैंने explain करा है उधर statement में। तो नेप्थलीन को हमने ऑक्सीडेशन कराया V2O5 के presence में और वो phthalic anhydride form कर रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रासीन के बारे में हमने बताना है, एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका यूजेस। तो एंथ्रासीन, फिनैंथ्रीन, नेप्थलीन, इनके भी स्ट्रक्चर यूजेस आते हैं। मतलब हमारे जो ये यूनिट है पूरी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें बहुत सारे हमसे स्ट्रक्चर एंड यूजेस के बारे में पूछा गया है। और ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में। सो एंथ्रासीन का हमने स्ट्रक्चर बनाया, नंबरिंग कर दिया। तो नंबरिंग हमेशा याद रखना 1 2 3 4, देन इधर से स्टार्ट होती है 5 6 7 8, देन मिडिल 1 9 एंड 10। इट इज़ साइक्लिक एंड प्लेनर स्ट्रक्चर। इसका यूज क्या है, इन द मैनुफैक्चरिंग ऑफ एंथ्राक्यूनोन एंड इन द मेकिंग ऑफ सम डाइज नोन एज एलिजारिन। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, व्हाट इज़ बनाना बॉन्डिंग। सो बनाना बॉन्डिंग वाला जो पार्ट है ये कोल्सन थ्योरी से आया है फ्रॉम यूनिट 5। बनाना बॉन्डिंग को हम बैंड बॉन्डिंग भी बोलते हैं, विच इज़ अ टाइप ऑफ कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड विद अ ज्योमेट्री अलाइक एज बनाना। मीन्स जो कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं उसकी जो ज्योमेट्री हमें दिखती है वो बनाना की तरह दिखती है, इसलिए हम उसे बनाना बॉन्डिंग बोलते हैं या बैंड बॉन्डिंग। सो द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन साइक्लोप्रोपेन आर वीकर देन द कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ प्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन के बॉन्ड्स होते हैं वो वीकर होते हैं किसके, प्रोपेन से। सो दे आर ऑल्सो नोन एज बनाना बॉन्ड। आई हैव मेड अ डायग्राम CH2 CH2 CH2। दिस इज साइक्लोप्रोपेन और इसका बॉन्ड एंगल कितना है 60 डिग्री, एंड दिस इज वीक बॉन्ड और द ओवरलैपिंग शो कर रखी है। एंड इट इज़ फाउंड इन स्ट्रेन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक साइक्लोप्रोपेन। द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन 2 कार्बन एटम डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू इंटरमोलिकुलर एक्सेस, हैंस द बनाना बॉन्ड और बैंड बॉन्ड। सो लास्ट क्वेश्चन, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू साचे मोर थ्योरी हमें एक्सप्लेन करना है कि वाई साइक्लोहेक्सेन आर मोर स्टेबल देन द 6 कार्बन एटम मेंबर रिंग। So according to Sachse Mohr theory, the carbon atom in 5 member and smaller ring can be in single plane, but in 6 member rings, such that cyclohexane they lie in different plane. Such larger ring can assume puckered arrangement. तो basically Sachse Mohr theory ने यही बताया कि जब भी puckered arrangement आ जाती है उसकी वजह से क्या होता है, डिस्टॉर्शन कम होता है और हम स्ट्रेन को हटा सकते हैं या स्ट्रेन इतना होता है कि वो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो भी कंपाउंड फॉर्म होता है वो हाईली स्टेबल होता है। और ये वाला फिनोमिना किस में मेनली शो होता है, साइक्लोहेक्सेन एंड इट्स अदर हायर कंपाउंड्स। सो दिस इज़ द बेसिक रीज़न। आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया, लार्जर रिंग कैन एज्यूम पकड़ अरेंजमेंट सो दैट देयर इज़ लिटिल डिस्टॉर्शन फ्रॉम नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल एंड एंगल स्ट्रेन इज नेग्लिजिबल। एंगल स्ट्रेन क्या होनी चाहिए, नेग्लिजिबल होनी चाहिए। साइक्लोहेक्सेन एग्जिट, साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो 2 नॉन प्लेनर पकड़ स्ट्रक्चर में एग्जिबिट करता है, एक तो बोट फॉर्म एंड सेकेंड वन इज चेन फॉर्म। चेन फॉर्म जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है बोट फॉर्म से, एंड दे आर कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम स्ट्रेन। जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि एल्केन हायर होते जाते हैं उनका स्ट्रेन या तो नेग्लिजिबल हो जाता है या कम होता है, तो उसी की वजह से क्या है चेन फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है बोट फॉर्म से। एंड दिस अदर हायर मेम्बर कैन बिकम फ्री फ्रॉम स्ट्रेन इफ़ ऑल द रिंग कार्बन आर नॉट फाउंड इन टू वन प्लेन। So this is the Sachse Mohr theory. Thanks for watching.